नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव होममेकर में आप लोग का स्वागत है। सोमवती अमावस्या कब पड़ रही है, जाने इसका शुभ मुहूर्त और व्रत का महत्व, सारी जानकारियां आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सोमवती अमावस्या मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पड़ती है। यह तिथि इस बार 14 दिसंबर सोमवार को पड़ रही है। इस दिन का महत्व हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा मनाया जाता है। यह दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन व्यक्ति अपने मृतक रिश्तेदारों की आत्मा की शांति के लिए पवित्र नदी में डुबकी लगाकर प्रार्थना करते हैं और पीपल के वृक्ष की पूजा करते हैं। आइए जानते हैं सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त और पूजा की संपूर्ण जानकारी। तो फ्रेंड्स, इस बार अमावस्या 14 दिसंबर को सोमवार की रात 9:48 पर शुरू हो जाएगी। सोमवती अमावस्या का महत्व पौराणिक कथाओं के अनुसार यह भी है कि भगवान कृष्ण द्वारा राजा युधिष्ठिर को सोमवती अमावस्या का महत्व और प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया था। कहा जाता है कि जो लोग सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं उन्हें दीर्घायु की प्राप्ति होती है, लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं जो लोग इस दिन पवित्र नदी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, उन्हें अपने सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। पीपल के पेड़ पर देवी देवताओं के निवास माने जाते हैं। ऐसा अगर सोमवती अमावस के दिन पीपल के पेड़ की पूजा की जाए तो व्यक्ति के सौभाग्य की प्राप्ति हो जाती है। इसकी पूजा प्रार्थना करते हैं और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा तीनों देवी देवताओं का वास होता है। माता लक्ष्मी की भी साथ में पूजा की जाती है, माँ गौरी की भी पूजा की जाती है। पति की लंबी उम्र के लिए यह व्रत किया जाता है। कुंवारी कन्याएं अगर अच्छा वर प्राप्त करना चाहती हैं, जीवन साथी अच्छा प्राप्त करना चाहती हैं, तो इस व्रत को जरूर रखें और पीपल के वृक्ष की पूजा जरूर करें। इस दिन मृत पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए भी यह पूजा की जाती है। यदि आपके पूर्वज आपसे रुष्ट हैं, किसी कारणवश अकाल मृत्यु हो गई है, तो उनकी आत्माओं की शांति के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए आप यह व्रत जरूर रखें और यह पूजा जरूर करें। पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भी सोमवती अमावस्या का व्रत किया जा सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो रख सकते हैं। इस दिन अगर व्यक्ति होमा, यज्ञ, दान, धर्म और पूजा अनुष्ठान करे तो उनकी सभी दुखों से समाप्ति हो जाती है। अगर आप लोगों को और कोई जानकारी चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पूजा पाठ से जुड़ी सारी जानकारियां मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। चलिए फ्रेंड्स, अभी लेती हूं आप लोगों से इजाज़त। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी दोस्तों।